हेलो, गुड मॉर्निंग। राधे राधे सभी को। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज सुबह सुबह जन्माष्टमी है, तो सुबह सुबह मैं कान्हा जी का श्रृंगार कर रही थी और सबने मैचिंग मैचिंग ड्रेस पहनी थी। बहुत रेयर होता है कि ये सारे मैचिंग पहने, लेकिन आज सारे लालाओं ने मैचिंग ड्रेस मांगी थी, तो आज वही पहनी है। और ये देखिए, ये श्रृंगार होकर कितने प्यारे लग रहे हैं। लेकिन बाद में याद आया, अरे इनको तुलसी माला तो पहना ही नहीं। फिर ये उतार के इनको वापस से तुलसी माला पहना रही हूँ और वापस इनके केश और इनका मुकुट पहनाऊँगी इनको। ये वाले जो इयररिंग थे, ये इनको पसंद नहीं आए थे, बार बार उतार रहे थे, तो मैंने उतार के फिर बाद में दूसरे चेंज किए। होता है बहुत बार कि जो चीज़ इनको नहीं पसंद आती वो ये नहीं पहनते, कितना भी ट्राई कर लो ये पहन ही नहीं सकते। मैंने ये वाले इयररिंग कम से कम 10 बार पहनाए लेकिन इन्होंने नहीं पहने। और आज मैंने ये डेकोरेट किया है। ये ना पूरा प्लेन ऐसे था, पिंक नीचे ये बेस सारा ऐसे था, दिख रहा होगा आपको, रेड कलर का, और साइड से ये पिंक था और इस पर कुछ भी वर्क नहीं था। मैंने पूरा इस पर वर्क किया और मेरा पूरा बेड की हालत देखो, आज सारा काम कान्हा जी का फैला पड़ा है, इसी में लगी पड़ी हूँ सुबह से। और मैं साइड से भी दिखाती हूँ आपको, साइड में मैंने ये वाली लेस लगाई है ताकि सोना सोना सा लगे सिंहासन इनका। तो प्लेन ही लाई थी ताकि मैं अपने अकॉर्डिंग इसको डेकोरेट कर सकूं। और ये लेस मेरे पास पुरानी पड़ी हुई थी, वो मैंने ज्वाइंट कर दी है। ये वाली लेस मम्मी ने भिजवाई थी, नज़र ना लगे इसलिए एक बेल्ट लगाई है इस पर, ताकि मेरे लाला को नज़र ना लगे किसी को। लाला और लाली जब पेयर में बैठेंगे बड़े क्यूट लगेंगे सारे, तो नज़र का पहले ही मैंने इंतज़ाम कर दिया है। और ये देखिए, ये फ्लावर्स, ये सब मेरे पास पुराने पड़े थे, नया मैंने कुछ नहीं लिया है, बस एक ये लेस है ये नई है। और ये फैब्रिक भी मेरे पास पुराना पड़ा हुआ था, मुझे याद भी नहीं है कब का था ये एग्जैक्टली। 3-4 साल से तो कपड़ा देख ही रही हूँ और शायद ज़्यादा ही होगा, तो आज मुझे नहीं पता था कभी ये ऐसे यूटिलाइज होगा। और ये बड़े अच्छे से यूटिलाइज हुआ है और अच्छा भी लग रहा है, तो मुझे तो बहुत सुंदर सुंदर सा लग रहा है मेरे बाबू का। आप लोग भी बताना प्लीज़ कैसा लग रहा है। ये है हमारा कम सिंहासन का लुक। और जब इस पे वो दोनों बैठेंगे, शायद इस पे पांचों आ जाएंगे मेरे, क्योंकि मैं जो प्लान कर रही हूँ वो ये है, यहाँ पे लाला आ जाएंगे, यहाँ पे छोटे वाले आ जाएंगे, यहाँ पे लाली आ जाएंगी, और जो मेरे छुटकू पुटकू हैं वो दोनों यहाँ आ जाएंगे। बाकी लेट सी, क्योंकि सिंहासन तो मेरे पास दूसरा भी है, तो देखते हैं क्या होता है। और उसमें भी थोड़ा सा अभी मैं काम करने वाली हूँ, अभी उसको भी लेके बैठती हूँ। पहले मैंने सोचा इसी को डन कर लूँ पूरा, फिर उसके बाद देखूंगी दूसरा। तो चलिए, ये ना मेरे पुराने सिंहासन है, तो ये क्योंकि फैब्रिक होता है और बहुत गंदा हो जाता है, तो मैं सोच रही हूँ इस, ये भी थोड़ा सा गंदा हो गया है, तो ये वॉश तो हो नहीं सकता है, तो पहले ट्राई करूँगी जितना ये साफ़ हो जाता है, पहले इसको साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि इसमें थोड़ा सा कपड़ा लगा दूँ ताकि ये थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लगे। और ज़्यादा कुछ तो इसमें करने के लिए है नहीं कि मैं इसमें कुछ करूँगी, तो बस फिलहाल तो यही सोच रही हूँ कि इसमें कपड़ा लगा दूँ। तो चलिए देखते हैं, ट्राई करती हूँ लगा पाऊँगी या नहीं, वो भी पता लगता है। अभी ये वाला सिंहासन सजाया है मैंने ऐसे, इसमें मैंने ये वाली लेस लगाई है चारों तरफ, ये येलो वाली ऑलरेडी पहले से लगी हुई थी ये, और ये वाली मैंने और लगाई है, ये एक अंदर से लगाई है और एक बाहर से लगाई है। येलो इसमें ऑलरेडी लगी हुई थी और इसके साथ मैंने इसमें ये लेसेस स्प्रेड कर दी है। मैंने काफ़ी ट्राई किया कि ये साफ़ हो जाए बट हुआ नहीं, तो मैंने ये लेसेस इस पर स्टिक कर दी है और नीचे बॉटम में भी मैंने ये लगाई है। तो कंप्लीट लुक इसका कुछ ऐसा आ रहा है, पुराना जो कलर कॉम्बिनेशन था उसी से मिक्स एंड मैच करने का ट्राई किया है, कुछ स्पेशल नहीं किया है। तो एक ये सजा दिया, इसके बाद मेरे पास ना दो छोटू छोटू सिंहासन पुराने और पड़े हुए थे, वो मैंने सजा दिया। ये प्लेन था और यहाँ पे ना किनारे पे यहाँ से लेके यहाँ तक छोटा सा वो मिरर टाइप का कुछ लेस था, वो लगा हुआ था, तो वो निकाल के सबसे पहले मैंने ये लेस लगाई है, साफ़ किया इसको, और उसके बाद फिर ये फ्लावर्स लगाए हैं इसमें, ये वाले लेस से ही बनाए थे ये मैंने, फिर ये लगाए हैं मैंने स्टोन सारे, ये वाले और ये बड़े वाले स्टोन लगाए, और यहाँ बॉटम में भी मैंने इसके स्टोन लगा दिए, और ये छोटा सा मोती मैंने स्टिक किया है। तो मतलब मैं देखूँ तो मुझे ये वाला मोती कैमरे में कम अच्छा लग रहा है, बट रियल में मुझे थोड़ा ज़्यादा ठीक लग रहा है। तो ये वाला हो गया, इसके
एक ये वाला जो सिंहासन था, ये वाला तो इस पे मैंने ये वाला फैब्रिक बिछा लिया। साफ़ करने का ट्राई किया, नहीं हुआ था, तो ये फैब्रिक बिछाया और साथ में ये वाली लेस लगा दी। पहले अंदर की तरफ ये वाली लगाई है ये करके, और फिर ये वाली लेस लगाई है ऊपर से, फिर मैंने ये वाली लेस थोड़ी लटकन वाली है ये लगाई है, और पीछे से मैंने ये इस तरह से लगाई है। शोना क्या हुआ? और ये देखो रॉक्सी ना मेरी ऐसे तड़पती है, ऐसे करती है, इसको बहुत प्रॉब्लम होती है, ये ऐसे ऐसे करती है। रुको मम्मा देखेगी, रुको आओ आओ कहो गया बेटा। और कमरे की हालत कुछ ये है, सारे में सामान फैला पड़ा है, कहीं कोई जगह नहीं है। और हमारी रॉक्सी आजकल एसी चला देती है, उसने एसी चला दिया, बच्चे भी ना थोड़ी सी जगह में सो रहे हैं, तो अभी ये सब साफ कर लेती हूँ और फिर ये देखो डब्बे पर, चलो इसको मैं साफ कर लेती हूँ। यहाँ पे हो रहा है हमारे लाला का जन्म, तो जैसे मुझे जिसने बताया था, मैंने किसी को पूछा था, तो मैं उसी तरह से कर रही थी। तो सबसे पहले उन्होंने बताया था कि अनाज में रखना है लाला को, तो पहले दिन मैंने अनाज में रख दिया था, तो आज जन्माष्टमी वाले दिन मैं इनको अनाज से बाहर निकाल के अभी फ़िलहाल इनको सब्जियों में रख रही हूँ। तो मुझे नहीं पता सही है या गलत है, लेकिन इतना पता है मेरी तो बस आस्था है, जैसा भी है जो भी है जैसा मुझे बताया गया तो मैं वही कर रही हूँ। और सब्जियों में मैंने भिंडी लिया था, परवल लिया था, टमाटर लिया था, आलू लिया था और खीरा लिया था, भिंडी ली थी। तो मुझे नहीं पता सही गलत का कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मुझे ये पता है कि भाव मेरे सही थे। और मेरा मानना यही है कि आपका भाव, आपकी भावना सही हो तो कुछ भी गलत नहीं है। तो ये क्लिप्स अलग अलग बनाई हुई हैं, ऐसा नहीं है कि बस मैंने रखे और निकाल लिए, टाइम टू टाइम निकाला था, बट क्लिप्स हैं तो वो अलग अलग ऐड की जाती हैं। तो सब्जियों से निकालने के बाद उसके फ्रूट में रखे थे, और यहाँ पे मैं फ्लावर तोड़ के रख रही हूँ कि थोड़े से फ्लावर मुझे डेकोरेशन के लिए चाहिएंगे और थोड़े से मैं मुझे लाला को भी बिठाना है। तो फ्रूट से निकालने के बाद मैंने इनको फ्लावर्स में रखा था, खूब फ्लावर में हिलाया था। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ कि इनको फ्लावर से अच्छी तरह से ढाँक दूँगी जैसे भी होगा। और इतने सुंदर लग रहे थे ना, मेरा बस चलता तो मैं इनको पहले ही निकाल लेती, लेकिन जो मजबूरी होती है तो वही है। यहाँ पे मैं मुझे जैसे बताया था चाक पूजना, वो मैं बना रही थी, चाक ही बोला गया था, तो वो चाक बनाया था मैंने। और चाक बनाने के बाद मैंने यहाँ पे लाला को इसमें बिठा के, क्योंकि जब हम कभी भी लाला को नहलाते हैं ना, तो जब हम ऐसे नहलाते हैं तो चाक बना लेना चाहिए, उसके बाद ही उनको बिठाना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने उनको शहद से स्नान कराया था, और ट्रस्ट मी इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी, मैं उसे शब्दों में नहीं बता सकती। उसके बाद मैंने इनको दूध से नहलाया, इसके बाद दही से स्नान कर रहे हैं ये, और ये बड़े इंजॉय कर रहे थे, नहाना बहुत इंजॉय कर रहे थे, अच्छे से मतलब फीलिंग आ रही थी कि हाँ ये खुश है नहाने में। फिर मैंने इनको जल और गंगा जल से नहलाया था, और अभी इनको मैं चंदन लगा रही हूँ, चंदन से मसाज करूँगी। चंदन से मसाज करने के बाद वापस से मैं इनको जल से नहलाऊँगी, और नहलाने में मेरा बेटा मेरी हेल्प कर रहा था, और गुड्डा शूट कर रही थी, तो गुड्डा कह रही थी मम्मा मुझे भी नहलाने हैं। मैंने कहा हाँ बेटा नहला लेना, क्योंकि गुड्डा भी ऐसा नहीं है कि नहीं करती है, मेरी गुड्डा बहुत सेवा करती है। बल्कि अभी पिछले 4 महीने से तो ये हो रहा है कि मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड ही ज़्यादा सेवा कर रहे हैं, मैं इनकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ उतनी ज़्यादा, बस मेरी तो मन की सेवा ही चल रही है। और यहाँ पे इनके लिए न्यू वस्त्र हैं, वो पहना रही हूँ मैं इनके, और सब लोग बताना कैसे लग रहे हैं, मुझे तो बहुत 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 क्यूट लग रहे हैं, बस मन ही नहीं हट रहा था इनसे। और जो सुबह वाले इयररिंग मैंने इनको, सॉरी इनको नहीं पहनाए थे, दूसरों को पहनाए थे, मैं भूल गई, तो सुबह जो लाला को वो वाले इयररिंग पहनाए थे ना, उन्हीं के मैचिंग हैं ये वाले इयररिंग भी जो मैं इनको पहना रही हूँ। तो बस इयररिंग पहनाए और इन्होंने आराम से पहन लिए, जो इयररिंग उन्होंने नहीं पहने थे वो इन्होंने आराम से पहन लिए, ये होती है इनकी लीला। और यहाँ पे श्रृंगार कर रही हूँ, तुलसी माला, गले में हार, ये सारा कुछ मैंने इनको पहनाया था, और साथ में मैंने इनको ये कान का निकल गया था तो मैं वो लगा रही थी इनका, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे लगाऊं, आगे से लगा रही थी तो भी उल्टा आ रहा था, पीछे से लगा रही थी तो भी उल्टा,
उसके बाद मैंने इनको चंदन का टीका करके और मैचिंग बिंदी लगाई थी। बैंगल्स भी मैंने मैचिंग डाली थी, ऊपर का जो इनका चोली वाला एरिया था उससे मैचिंग करके मैंने डाली थी। और ये देखिए हमारे सांवरे सरकार तैयार हो गए हैं मोहर लगा के। नज़र मत लगा देना प्लीज़ कोई भी मेरे लाला को, बहुत बहुत क्यूट लग रहा था मेरा लाला। और अभी तक जब तक मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तक भी मैंने अपने लाला का नाम नहीं रखा है। तो अभी बारी आ गई है छोटुओं को नहलाने की। ये सारे नहा रहे हैं यहाँ पे, कानू लड्डू छोटू तीनों बैठे हैं और गुड्डा हेल्प कर रही है मेरी नहलाने में। तो गुड्डा की भी मेरी भावना है, वो काफ़ी करती है ठाकुर जी की। तो यहाँ पे ये सब नहा रहे हैं, इनको भी नहलाने के बाद मैं इनका भी श्रृंगार कर दूंगी। बस लालाओं का जन्म हो चुका है। ये लगभग 12 बजे का टाइम था जब ये सब कुछ मैं कर रही थी। और यहाँ पे दही हांडी रखी थी ना ऊपर, तो उसकी वजह से इनका मुकुट गिर गया था, तो वो मैंने वापस से लगा दिया। और यहाँ मैं कर रही हूँ आरती। मैं कभी भी नहीं कोशिश करती हूँ कि जब मैं पूजा करती हूँ तो मैं शूट करूँ, लेकिन आज क्योंकि लाला का जन्म हुआ था और पूरी वीडियो आज मेरी लाला पे ही बेस्ड है, तो बस आज मैंने शूट कर लिया, अदरवाइज़ मैं ये सब अवॉइड करती हूँ। और यहाँ मैं पंचामृत का भोग लगा रही थी अपने लाला को और बड़े मज़े से खा रहे थे। और ये वही सिंहासन है जो आज मैंने रेडी किए थे। तो भगवान करे सबकी मनोकामनाएं पूरी हों, सब खुश रहें अपनी लाइफ में, सबको जो चाहिए वो मिले, किसी को भी ऐसा ना हो कि जो चाहिए वो ना मिले। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी। और मुझे सद्बुद्धि दे भगवान, मुझे बस सद्बुद्धि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ मैं भोग लगा रही हूँ तो इनके लिए बहुत सारे मिठाइयाँ, फ्रूट्स, टॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन, बहुत कुछ आया था घर में बनाया था वो सारा कुछ। और इनके टॉयज़ आए थे बहुत सारे। तो यहाँ मैं बेटे को भी बोल रही थी कि माखन मिश्री का भोग लगाए। तो ये संस्कार हम ही अपने बच्चों को देते हैं, अगर हम नहीं सिखाएंगे तो कौन हमारे बच्चों को सिखाएगा ये सब।